आज हम ओरछा में जहांगीर महल को देखने जा रहे हैं, पर यह महल ना जहांगीर ने बनवाया ना उसके किसी खानदान के व्यक्ति। ये एक दोस्ती की कहानी है राजा वीर सिंह देव और जहांगीर के बीच में, जिन्होंने एक दूसरे के बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। आगे गाइड इसकी कहानी विस्तार से सुनाएगा। तो राइट ना हम लोग अभी इनसाइड अंदर की तरफ में अंदर है जहांगीर महल के अंदर। इसके बाद महल में ऐसा बताया जाता है कि यहाँ जो राजा थे राजपूत राजा, जिनका नाम था वीर सिंह देव, काफ़ी फेमस रिलेशनशिप है, काफ़ी अच्छे संबंध रिलेशनशिप होने के कारण जहांगीर के साथ में। तो इनके द्वारा इस महल की निर्माण कराया जाता है। वीर सिंह देव ने इसको बनाया 1605 से 1627 के बीच में, और जब ये बनकर के तैयार होता है इस महल को, तो राजा वीर सिंह के द्वारा जहांगीर को इन्विटेशन दिया जाता है उस समय, एज ए उनको वेलकम किया जाता है, वेलकम करने के लिए यहाँ बुलाया जाता है। और जब वो यहाँ आते हैं उनका स्वागत किया जाता है, और स्वागत करने के बाद में इस महल को यहाँ के राजा के द्वारा गिफ्ट किया जाता है जहांगीर को। इसलिए उस समय हिंदू राजाओं के द्वारा हम लोग किसी को ईद को गिफ्ट किया मुगलों को, जहांगीर को स्पेशली, क्योंकि दोस्ती थी सलीम के साथ में। इस कारण से यहाँ के राजा ने इसको बनाया, उनको बुलाया, और बुलाने के बाद में एज ए गिफ्ट किया, तो ये महल जहांगीर महल के नाम से विख्यात हुआ। लूटे भी इंडिया में और गिफ्ट भी कर दिए, क्या है ना? वो तो बताएंगे ना कि क्या अब उसका लॉजिक क्या था कि ये अभी यहाँ बना करके इसको गिफ्ट किया था। हिंदू में किसी को कोई गिफ्ट कर देते हैं तो बाद में वो वापस नहीं लेते हैं। तो उस समय से लेकर आज तक ये महल जहांगीर महल के नाम से भी क्या जाना जाता है। अब इसकी जो बनाने की शैली थी, इसको बोलते इंडो इस्लामिक स्टाइल, हिंदू इस्लाम आर्किटेक्चर, क्योंकि यहाँ के जो रोकर राजा थे जिनका नाम था वीर सिंह देव, ये हिंदू रूलर थे बुंदेला राज। तो हिंदू आर्किटेक्चर में क्या होता है कि हम लोग कोई भी एनिमल्स डेकोरेशन करते हैं, स्कल्पचर्स वगैरह मूर्तियाँ डेकोरेटेड करते हैं, लेकिन मुगल कल्चर्स में सिंपल होता है। तो इस पैलेस में देखा जाए बेसिकली दो आर्किटेक्चर का समन्वय है, एक है हिंदू और दूसरा इस्लाम, क्योंकि यहाँ के राजा हिंदू और जिसके लिए बनाया था वो जहांगीर वो मुस्लिम्स, इसलिए दो आर्किटेक्चर को एक साथ मिला करके बनाया गया इस महल में। जैसे कि इस दरवाजे को देखेंगे हम लोग, अब इसको हम बोलते हैं तोरण गेट। हमारे यहाँ हिंदुओं में क्या होता है, जब कोई भी हम लोग कोई शुभ काम करते हैं तो इस तरीके के दरवाजों को बनाने का हमारे यहाँ तोरण बनाने का सिस्टम बनाए जाते हैं दरवाजे। तो ये उसी शैली का बना हुआ है, जैसे हम लोगों का अभिवादन करते लाइक इस तरीके का नमस्ते फॉर्म में, तो इसी तरीके का पैलेस में इसका दरवाजा बनाया गया। अब इसमें देखेंगे आप कमल की आकृतियाँ हैं, ऊपर देखिए आप हाथी की सूंड, और ऊपर देखेंगे आप थोड़ा सा ऊपर पीकॉक एंड पैरट्स बने हुए हैं, और बीच में स्वास्तिक, और हिंदू है ये। देखने में लगता है जैसे ये लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन ये पत्थरों पे काम किए हुए हैं यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं रेड सैंडस्टोन। विशेष में देखिए आप ये एलिफेंट यहाँ पर ब्रैकेट्स में। अब यहाँ से यहाँ हम लोग हाथियों को तो 27 है हाथी, क्योंकि 27 का अंक हमारे यहाँ काफी नंबर 27 का काफी उपयुक्त तो माने जाते हैं, लकी माना जाता है। हाँ जी, लकी अंक होते हैं, इसीलिए देखा जाता है 27 हाथियों को बताया गया है, एक कॉर्नर से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। और प्रत्येक हाथी की सूंड देखेंगे वो नीचे की तरफ में है, और घंटी को बजा करके मेहमानों को स्वागत करता है दिखाया जाता है हाथियों। विशेष में हम लोग देखेंगे जैसे हमारे यहाँ 27 नक्षत्र होते हैं, इस तरीके से देखा जाता है 27 हाथियों को एक साथ दिखाया इसको इसमें। अगर हम लोग 27x4 करते हैं तो 108 अंक आते हैं, जो हमारी जो जपमाला होती है अंक होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ को काफी कैलकुलेटेड तरीके से रखा हुआ है। और हम लोग अगर जैसे कि हमारे 27 नक्षत्र 9 ग्रह, तो हम लोग 108 को जोड़ देते हैं तो 9 अंक आ जाता है, या हम 5+2 को भी जोड़ते हैं तो 9 अंक आता है। तो इस कारण से अंकों को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था महलों में बनाने के लिए। अब यहाँ देखेंगे दो प्रकार के दरवाजे हैं, जैसे ये दरवाजा हमने आपको बताया हिंदू स्टाइल का, और दूसरा वाला जो अन्य दरवाजे हैं वो इस्लामिक शैली में बने हुए हैं। इस तरीके का आप लोग फतेहपुर सीकरी आगरा अन्य जगह आपको नजर आते हैं इस तरीके के दरवाजे, आर्च का आर्च वाले दरवाजे। इसी तरह के देखेंगे आप गुम्बद। गुम्बद का कल्चर कब आया, जब हिंदुस्तान में हमारे मुगल आए, तो मुगलों के समय हिंदुस्तान में आए तो पर्दा सिस्टम आया, तो जब ये राजपूत महल को बनाया गया तो बहुत खूबसूरत तरीके से उसमें सुंदर जालियाँ बनाई गई, पर्दे में रहती थी उस समय हमारे यहाँ लेडीजें, तो पर्दे से होने के कारण
अंदर के लोग बाहर की तरफ देख सकते हैं, लेकिन बाहर के लोग अंदर की तरफ नहीं जा सकते। इस तरीके से जालियां को बनाएगा, जो पत्थरों से बनी हुई जालियां हैं। तो ये पहले से हमारा बेसिकली बहुत ही फेमस है जालियों के लिए और इंडो इस्लामिक स्टाइल के लिए। अब जैसे कि इसमें गुम्बद दो प्रकार के, एक है गुम्बद सेंटर में जो कि सिंपल बना हुआ है। कौन सा वाला? ये बीच वाला गुम्बद। हाँ, गुम्बद कमल है, उल्टा है। हाँ। कमल बना हुआ है क्योंकि मिक्स है इसमें आर्किटेक्चर। हाँ। ठीक है ना सर, मिक्स आर्किटेक्चर है। हाँ। और दूसरा वाला देखें, जो कोई भी आप हिंदू टेम्पल देखते हैं। हाँ। उसमें कमल की तरह गुम्बद बनते हैं। हाँ। जैसे कि ये बना हुआ इस कॉर्नर पे। हाँ। वो सेम है? नहीं है सर, ये देखिए प्लेन है बीच में और इसमें लाइन बनी हुई है गुम्बद। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये वाला। हाँ हाँ। अब इसको देखिए आप, सिमेट्रिकल प्लान है पूरा का, सिमेट्रिकल। इसमें 236 कक्ष बनाए गए इस महल में। 100 नीचे जो कि बेसमेंट एरिया के नाम से जाना जाता है, स्केप करने की जगह होती थी, आर्मी को रखने की जगह, स्केप छिपने के स्थान, वेपन्स को रखने के लिए, और प्रिजनर्स को भी अंदर के ग्राउंड में उस समय यूज करते थे। का इसमें जो कम यहाँ दरवाजे के पीछे काफी कमरे, यहाँ पर 236 कमरे हैं, तो 136 कमरे इसके पीछे बने हुए हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब उस समय को होता था कि हमारे यहाँ मेहमान आते थे तो मेहमानों को डांस दिखाने की जगह होती थी। जैसे कि एक कोर्ट यार्ड बना हुआ है इस महल का, मुख्य कोर्ट यार्ड है। तो इस पैलेस में देखा जाए तो 8 कोर्ट यार्ड है जो कि ऊपर की तरफ बने हुए हैं। जैसे हम दरवाजों को क्रॉस करेंगे तो वहाँ छोटे छोटे आंगन बने हुए हैं बरंडे के साथ में। तो बरंडे में होता था क्या कि एक जगह लेडी दूसरी तरफ जेंट्स बैठ करके डांस को देखा करते थे। और इस जगह को भी जब लोग मेहमान आते थे, जैसे कि जहांगीर मेहमान के रूप में आते हैं, तो उनको डांस दिखाने के लिए ये आंगन यूज किया गया उस समय। ये बड़ा आंगन है, बड़ा आंगन है इस महल का। और ये बीच में क्या है? बीच में से स्विमिंग पूल बना हुआ है इसका। अच्छा। हाँ जी। और दूसरा देखा जाएगा, लोग आते थे उनको बैठने के लिए इस तरीके की बालकनी का प्रबंध किया जाता था कि वहां से बैठ करके लोग यहाँ डांस को देखें। अब ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी राजपूत राजाओं को कि इतना बड़ा महल बनाया वो भी जहांगीर के लिए और दो नाइट के लिए? बाद में वो कभी वापस नहीं आए यहाँ पर, लेकिन उसके नाम से ही विख्यात हुआ ये पहले से। उसका कारण क्या है कि मुगलों का इतिहास देखेंगे, कोई भी शासक रहा हो, औरंगजेब हो, भी अकबर हो, पिता ने भाई, भाई ने भाई, पुत्र ने पिता को बंदी बनाया, फिर गद्दी को हासिल किया। अकबर के समय था उस समय, तो अकबर के दरबार में मुख्य रूप से दो थे प्रतिद्वंदी गद्दी को पाने के लिए अकबर की मृत्यु के बाद। एक था अबुल फजल जो अकबर का विशेष सलाहकार, इसने अकबरनामा लिखा हुआ है और अकबर का विशेष कृपापात था क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी और नवरत्नों में से। और दूसरा था अबुल फजल सलीम, इनका लड़का। लेकिन अकबर और सलीम के बीच में पटरी नहीं खाती थी आपस में, क्योंकि अकबर इसको पसंद नहीं करता था सलीम को। उसका कारण था तीन, ऐसा बताया जाता है कि इसकी जो मदर थी जिसका नाम था जोधाबाई। दूसरा कारण ऐसा बताया जाता है कि अकबर का जो लड़का था सलीम हैवी ड्रिंकिंग किया करता था उस समय, मदरा पान करना, ड्रिंकिंग करना, पत्ती में लिप्त रहना, इस कारण से अकबर उसको पसंद नहीं करता था। तीसरा कारण ऐसा बताया जाता है कि अनारकली से बेहद प्रेम करना, और जोधाबाई इसकी मदर थी इस कारण से अकबर उसको पसंद नहीं करता था। तो इसने क्या किया कि इसकी जो प्रेमिका थी जिसका नाम था अनारकली, इसको हटा दिया अकबर ने। तो इसने अकबर के खिलाफ की बगावत, और बगावत करने के बाद में ये बुंदेलखंड एरिया शरण स्थली के रूप में ढूंढा उस समय, ऐसा बताया जाता है कि सबसे सुरक्षित एरिया था क्योंकि रूस राजा थे, बुंदेला रूलर थे, काफ़ी संपन्न स्टेट मानी जाती थी। तो उन्होंने इसको शरण स्थली के रूप में ढूंढा ओरछा को, ठीक है ना, शरण स्थली के रूप में ढूंढा इसको। और उस समय यहाँ के राजा थे राम शाह। तो जब सलीम ने यहाँ बगावत की अकबर के खिलाफ और यहाँ शरण मांगी इस स्टेट में, तो राम शाह राजा राम शाह थे, उन्होंने इनको मना कर दिया सहयोग देने से सलीम को। तो ये ओडिशा काफ़ी स्टेट फेमस राज्य होने के कारण इसकी कई रियासतें थी, रियासत में बटा हुआ रियासत थी। तो उस समय उनका संदेश इसके बाद में वीर सिंह के पास जाता है। वीर सिंह उस समय एक जागीरदार थे, दतिया के पास एक बड़ौनी जगह है, ओडिशा के राज्य का ही पार्ट था, लेकिन वो जागीरे के रूप से जाना जाता, जागीरदार रहा करते थे वहाँ। तो वीर सिंह के बाद में जो वीर सिंह थे वहाँ के जागीरदार थे, तो उनका संदेश उनके पास पहुँचता है, वीर सिंह के पास। तो वीर सिंह ने अपने उसको समझा
कि मित्रता करने में हमको फायदा रहेगा। आज हम इनकी मित्रता इनका हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और कल कोई अगर हम आज इसकी संकट के समय इनकी मदद करेंगे और हमारा कोई समय खराब होता है किसी कारणवश तो कल ही हमारे काम में आएंगे। इस कारण से उन्होंने सलीम के साथ दोस्ती की और इसकी सूचना यहाँ पर शरण स्थली के रूप में उस एरिया को छुड़ा, ठीक है ना। उसके बाद इसकी सूचना अकबर को लगती है कि इसने अकबर मेरे खिलाफ बगावत करके यहाँ शरण स्थली के रूप में रखी है। तो उसने अबुल फजल को मारने के लिए अबुल फजल को भेजा सलीम को मारने के लिए। इसकी सूचना सलीम को लगती है कि मेरे पिता ने मेरे लिए अबुल फजल को भेजा है, तो उन्होंने वीर सिंह से मदद मांगी कि भैया मेरी मदद करो आप। तो वीर सिंह ने अपनी सेना को तैयार किया और एंड में वीर सिंह ने अबडबरा और ग्वालियर के बीच में एक अबुल फजल की सेना पड़ाव डाली हुई थी। तो वीर सिंह ने अपनी सेना के साथ में जहाँ वहाँ जा करके युद्ध किया अबुल फजल के साथ में, एंड में उसके अबुल फजल पर फतेह हासिल की और एंड में उस पर विजय प्राप्त की, ठीक है ना। और दोस्ती के रूप में जहांगीर ने वीर सिंह ने सलीम का उस अबुल फजल का सिर काटा तो सलीम को दिया गिफ्ट। तो सलीम को जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठाने में वीर सिंह राजा का सहयोग रहा, वीर सिंह जुदेव का, ठीक है ना, ये सहयोग रहा। तो इस कारण से वीर सिंह जब हिंदुस्तान के अकबर की मृत्यु के बाद में पिता पुत्र का इनका बुंदेलाओं से तो कोई वो नहीं था, लड़ाई तो थी नहीं बुंदेलाओं से, वीर सिंह ने तो उसके लड़के की हेल्प की थी। इस कारण से इनका बुंदेलाओं के द्वारा और मुगलों के साथ में कोई ऐसे वो नहीं रहा, विवाद नहीं रहा उस समय। वीर सिंह की मृत्यु सलीम की मृत्यु के बाद में अकबर की मृत्यु के बाद में सलीम हिंदुस्तान का बादशाह बनता है जहांगीर के नाम से। तो उस समय उनकी मदद यहाँ के राजा वीर सिंह ने की थी और जहांगीर के उसने तो अब मदद की नहीं थी राम शाह राजा ने, तो राम शाह को हटा देते हैं और वीर सिंह को उड़ीसा का राजा बनाया जाता है उस समय सलीम के द्वारा। तो वीर सिंह काफी प्रसन्न हो जाते हैं उड़ीसा की गद्दी मिलने के बाद में। इस कारण से वीर सिंह को जब उड़ीसा की गद्दी मिल जाती है तो वीर सिंह जो जहांगीर महल का निर्माण कराते हैं जहांगीर के स्वागत करने के लिए दोस्ती के रूप में, इसलिए महल जहांगीर के नाम से जाना जाता है, ये इसका लॉजिक है। अभी हम लोग इसका जो प्रवेश द्वार है ना इस पैलेस का वो देखने के लिए जाते हैं, चल रहे हैं अभी की यहाँ भगवानों की मूर्तियाँ। अभी यहाँ चार दरवाजे हैं, यह हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र के हिसाब से दरवाजे बनाए जाते हैं, दरवाजों का निकाले जाते हैं, जैसे ईस्ट फेसेस एंट्रेंसेस शुभ माने जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ चार दरवाजे हैं, वो पूरा पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ये हिंदू स्टाइल के दरवाजे बने हैं। जैसे कि एक बना देखिए, एक इधर एक उधर, सामने हाँ सामने बिल्कुल, एक इधर एक उधर, चार दरवाजे। तो हमारी चार दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो चार दिशाओं में हिंदू पैटर्न के दरवाजे बने हुए हैं। और जो अन्य दरवाजे देखेंगे वो उस तरीके के इस्लामिक स्टाइल के बने हुए हैं, मुगल स्टाइल के। तो दरवाजा जो प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है इस महल का, ये जो जहांगीर के लिए हम लोगों ने बनाया, ये पहले बनाया था राजाओं ने, वो यहाँ से एंटर करते थे उस समय इस पहले दरवाजे से। अब यहाँ देखेंगे, अगेन हम लोग देखेंगे दो आर्किटेक्चर का समन्वय, एक है हिंदू और दूसरा इस्लाम। अभी यहाँ दो हाथी, एक इधर जो कि देखिए घंटी लेकर के स्वागत करता मेहमानों का, घंटी बजा करके अगर कोई मेहमान के रूप में आता है। दूसरा वाला दरवाजा के पास में दूसरा हाथी बना हुआ है जो चैन को लिए है, वो बंदी बनाने का संकेत करता है, डिपेंड करता है किस तरीके का भाव है लोगों का, आने का मकसद। अगर वो मित्र के रूप में आते हो तो ये घंटी बजा रहा है, प्रतिद्वंदी के रूप में आता है कोई बंदी बनाने का संकेत करता है इस तरीके का। दूसरा देखेंगे यहाँ पर मूर्तियाँ भगवानों की, एक है गणेश भगवान जी की मूर्ति, वहाँ पर देखिए आप ऊपर दिखनी थी सेंटर में से छोटा दरवाजा दिख रहा है आपको, उसके नीचे देखिए आप वो नीचे
ये छोटा दरवाजा थोड़ा पीछे आ जाइए तो और देखेगा। ये है ना? हाँ जी, ये सरस्वती जी है बाद में देखिए हाथी महावत के साथ में है। नीचे देखिए पीक पैरट्स बने हुए हैं और कमल बने हुए हैं। अब ये हिंदू स्टाइल का हुआ है दरवाजा। हिंदू दूसरा देखेंगे इसमें जैसे कि मुगलों के आगमन के साथ हिंदुस्तान में ये पैटर्न आया, ज्योमेट्रिकल पैटर्न बोलते हैं। अब देखने में ज्योमेट्रिक डिजाइन लगती है इस तरीके की, ठीक है ना? ज्योमेट्रिक डिजाइन है तो यहाँ से तो हमको ज्योमेट्रिक दिखती है। इसको हम लोग इस तरीके से देखें, देखिए इसमें स्वस्तिक सिंबल को भी लिया हुआ है तो दोनों आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन स्वस्तिक दिख रहा है एकदम। हाँ जी, देखिए सामने बना हुआ इस तरीके का ये। हाँ जी, स्वस्तिक है। इसको हम लोग इस तरीके से देखते हैं तो कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न हुआ। अब यहाँ देखिए आप इस तरीके का ये स्टार है ये, ठीक है ना? बाहर से अंदर से देखेंगे तो कमल की आकृति बनी हुई है। तो कहने का मतलब है कि दो आर्किटेक्चर का एक बेस्ट एग्जांपल उस समय का जो इंडो इस्लामिक स्टार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राजपूत राजाओं ने बनाया जहांगीर को स्वागत करने के लिए। तो ये दो आर्किटेक्चर का विशेष रूप से इसमें वो सामान दिखाया गया। अभी देखिए पैलेस की लेडीज अपार्टमेंट, जालियां बनी हुई खूबसूरत जालियां। अब अंदर के लोग हैं बाहर देख सकते हैं, लेकिन बाहर के लोग अंदर नहीं देख सकते। ये कनेक्टेड होते थे रूमों के साथ में, जैसे कि हमने आपको पूर्व में बताया था कि इसमें 236 कक्ष बने हुए हैं, कमरे हैं। प्रत्येक रूम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इंटर कनेक्टेड है। अब ये देखिए दूसरी वाली गैलरी है, ये कॉरिडोर है। अब ये ऊपर वाला कॉरिडोर देखेंगे आप, वो पत्थरों से बना हुआ है, और नीचे वाला कॉरिडोर देखेंगे इस तरीके की जो गैलरियां हैं, झरोके हैं, ये उसकी बनी हुई ईंट की, चूना और ईंट से बनाई हुई है। जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की डिजाइन है इसमें महल में बनाई हुई है। सामने देखेंगे आप इस जगह पे ऊंटों की बांधने की जगह है, जो अस्तबल के नाम से जाने जाते हैं, ऊंट खाना। और नीचे देखेंगे तो इसके ऊंट घोड़े के लिए रखने की जगह थी, अस्तबल है। उस समय क्या था कि लोग यहाँ प्रवेश करते थे इस महल में, वो ये था आने जाने का रास्ता यहाँ से इस जगह से। और यहाँ देखिए चार प्रकार के जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, इनकी हाइट अलग अलग तरीके से निर्धारित की हुई है। तो उस समय क्या था कि यहाँ लोग वहाँ यहाँ आते थे, लोग प्रवेश करते थे तो जानवरों को यूज करते थे हम लोग ट्रांसपोर्ट के रूप में। तो देखिए सबसे पहला पहल का सबसे छोटा वाला जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है वो पालकी के लिए, पालकी को लेकर के खड़े हो जाते वहां, उस पर बैठते थे सीधा रहे और बैठ करके लोगों को लेकर के यहाँ से जाने का, पीछे की तरफ एक शाही दरवाजा बना है वहां से लेकर के जाने का प्रबंध किया जाता था। दूसरा वाला देखेंगे इससे ऊंचा है प्लेटफॉर्म, घोड़े साइड में खड़े होते थे तो घोड़े की सवारी करना। तीसरा देखेंगे इससे हाइट थोड़ा ऊंचा है, ये ऊंट की सवारी करने के लिए। और जो सबसे जो लास्ट में फाइनल प्लेटफॉर्म ये वाला बना हुआ है हाथियों के लिए।